तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका विक्रम एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस वीडियो में आपको 9 वोल्ट का फास्ट चार्जर कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। तो उसको बनाने के लिए मैंने इस किट का यूज़ किया है। आप देख सकते हो ये किट आपको ख़राब हुई डिस्को बल्ला में मिल जाती है, देख सकते हो आप स्क्रीन पर। तो इसको बनाने के लिए आप देख सकते हो ये किट है, ये बहुत दिनों से पड़ी थी तो मैंने सोचा इसका कुछ प्रोजेक्ट बनाया जाए। तो ये किट आराम से 9 वोल्ट तक प्रोवाइड कर देती है आपको वोल्टेज, तो मैंने सोचा इसका ही कुछ चार्जर बनाया जाए। तो मैंने कुछ पीवीसी पाइप के टुकड़े काट लिए, तो मैं सारे पीवीसी पाइप के टुकड़ों को एक एक करके जमा रहा हूँ। तो ये सारे आ गए हैं और अब ये सारे टुकड़े मैंने दो दो काटे हैं और इसको मैं इसके बीच में फिट करने वाला हूँ। और ये सारे मैंने दो दो काट रखे हैं, सारे सेम साइज़ के नहीं है, थोड़े अलग अलग है दो दो। और मैंने इस बड़े वाले पीस के अंदर दो छेद किए हैं, ये देख सकते हो आप। तो मैंने इसके अंदर दो छेद क्यों किए हैं तो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आपके घर में ये एक ख़राब टूटा हुआ प्लग तो आराम से मिल ही जाएगा। ये ख़राब होता है तो इसके यहाँ पे टूट रखा है देख सकते हो, तो शॉक लगने का डर भी बना रहता है। तो इसके हम प्लग को इसके अंदर चार्जर में काम लेने वाले हैं। तो फटाफट से मैं इसको खोल लेता हूँ, तो मैं फटाफट से पेचकस लेके इसको खोल लेता हूँ प्लग को। तो खोल लेता हूँ मैं, तो देख सकते हो इसकी प्लास्टिक टूट रखी है पूरी से। तो हमें प्लास्टिक तो नहीं चाहिए और इसकी पिन वाला ये चाहिए। और इन सबको एक तरफ कर देता हूँ मैं और इसको खोल लेता हूँ मैं फटाफट से। तो मैं इसके अंदर ये दो छेदों के अंदर इस पिनों को फिट कर लेता हूँ आराम से फटाफट। तो ये किस तरह भी फिट कर सकते हैं आप। तो मैंने फाइनली दोनों को फिट कर दिया है, ये हमारा प्लग का काम करेगा चार्जर के लिए। तो अभी इस टुकड़े को मैं यहाँ पे काट के थोड़ा सा चिपकाने वाला हूँ ताकि हमारी किट प्लास्टिक के पीवीसी पाइप के ऊपर रहे आराम से। और इसकी वायरिंग करके मैं ले आता हूँ और यहाँ पे प्लस माइनस का आउटपुट है तो यहाँ पे मैं सोल्डरिंग करके ले आता हूँ। तो इस आउटपुट वायर के लिए मेरे पास इतना बड़ा वायर है, आप चाहे तो इससे छोटा या बड़ा और भी ले सकते हो आपके हिसाब से। तो मैं सोल्डरिंग करके फाइनली यहाँ पे ले आता हूँ। मैंने एक ब्लू लाइट भी लगाई है इसके अंदर ताकि हमारा चार्जर चालू है या बंद है उसका मैं पता इंडिकेट करता रहिए। तो ये ब्लू लाइट हमें इसलिए लगाए ताकि वो चार्जर अच्छा भी लगे और हमारा अच्छा भी दिखे। अब मैं इसके सारे टुकड़ों को इसके चारों तरफ डिब्बे से बंद कर देता हूँ फटाफट से। तो इसके अंदर मैंने छेद भी किया है वायर बाहर निकालने के लिए। तो आप देख सकते हो मैंने इसके किट को पीवीसी पाइप की शीट के थोड़ा सा ऊपर चिपका दिया है और मैं इसको इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को तार के अंदर से निकाल के वहाँ पे चिपकाने वाला हूँ। तो मैं फिर क्यूब से इसको चिपका रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो ये अच्छे से चिपक जाएगा, तो ये चिपका दिया मैंने। अब इसको एक तरफ के वालों को भी चिपका दूँ आपको अच्छे से। तो आप देख सकते हो फाइनली मैंने इसको घिस घिसा के देख सकते हो मेरे हाथ इसमें हो गए, इसका ऐसा लुक दे दिया मैंने इसको। मैंने इधर और इधर ये वाइट वाइट पीवीसी पाइप इसलिए लगाया ताकि इसका लुक थोड़ा सा अलग लगे, डिजाइन में अलग से अच्छा लुक इसको दे। अभी लग रहा है अच्छे चार्जर की जैसे, देख सकते हो आप। मैंने पीछे इतनी डोरी लगाई है, आप चाहो तो और बड़ी कर सकते हो उसको। तो अब इसकी टेस्टिंग पर आते हैं। तो टेस्टिंग के लिए मैं लिया तो एक्सटेंशन बोर्ड ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड। तो इसके अंदर हम लगा के देखते थे तो देख सकते हो फाइनली सही से इसके अंदर आया। और आप देख सकते हो इसके अंदर से ब्लू लाइट आ रही है, मैं आपको लाइट ऑफ करके बताती हूँ। तो आप देख सकते हो वहाँ पे ब्लू लाइट आ रही है।
तो इसकी टेस्टिंग के लिए चालू, मतलब हमारा ये चार्जर चालू है, तो अभी हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो इसकी टेस्टिंग के लिए पहले तो हम एक ब्लू लाइट जलाएंगे जो कि 9 वोल्ट की है। ये अच्छे से पूरे से अच्छे से हो रही है, देख सकते हो आप। मैं लाइट बंद करके दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो आप कितने अच्छे से ज्वल आ रहा है। यह भी अच्छे से जल रही है, तो इसको हटाते हैं। और हमारे पास एक और वाइट LED है, इसको भी आपको जला के दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो अच्छा आ रही है, तो मैं लाइट को बंद कर देता हूँ। देख सकते हो आप कितने अच्छे से जल रही है, इसको भी हटाते हैं। तो लाइट्स की तो हो गई हमारी, लाइट से तो आसानी से जल जाती है, तो इसको भी हटाते हैं। अब हमारे पास है एक मोटर, तो इसको हम जला के देखने वाले हैं। तो इसके वायर को जोड़ लेता हूँ फटाफट, जल रही है। तो मैं इसको फैन लगा देता हूँ, आप देख सकते हो। तो मैंने फैन लगा दिया इसके ऊपर, तो आप देख सकते हो बहुत स्पीड में घूम आ रहा है। तो आप देख सकते हो अभी सर्दी है, हवा खा रहा हूँ, सर्दी लग रही है। अभी आराम से और अच्छे से हवा भी आ रही है, बहुत तेज घूम रहा है। तो आप इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। तो फाइनली गाइस, बहुत रात हो गई है, मेरा रात को प्रोजेक्ट बना रात, तो बहुत रात हो गई है और हमारा प्रोजेक्ट भी सही से बन गया और सक्सेसफुल हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी मज़ेदार एक्सपेरिमेंट के साथ, मिलते हैं।